Hey friend, welcome back to my channel. Please do like, share, subscribe करना बिल्कुल ना भूलना. ऐसे ही latest update video जानने के लिए मेरे channel को click करो, subscribe करो, जिससे आपको ऐसे ही new update मिलते रहे और new interesting drama series आप सबको मिलते रहे. तो चलो start करते हैं video. Don't skip my video. एपिसोड की शुरुआत में जिया को दिखाया जाएगा जहाँ काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रही होती है. उसे लगता है कि उसे अब ज़िंदा नहीं रहना चाहिए और मर जाना चाहिए, क्योंकि बेबी को अबॉर्ट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी और टूट चुकी थी. उसे ज़िंदगी से अब कोई मतलब नहीं था. वो मेडिसिन खाने वाली थी जिससे कि वो मर जाए, लेकिन फिर सोचती है कि क्या करूँ मैं ऐसा जिससे कि सब ठीक हो जाए. और मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये एक दवा खाऊंगी तो मैं मर ही जाऊं. तभी सोचती है कि वो घर से हमेशा के लिए चली जाए, जहां 5 साल का उसका लव था, सब कुछ था. फ्रेंड, वो उसे छोड़ के जाना चाहती थी. ये उसने डिसाइड कर लिया था कि प्रेसिडेंट फू को वो हमेशा के लिए अब छोड़ देगी. अब वो नहीं रहेगी, उसके घर की यादें, हर एक चीज़ को वो देखती है. अब क्या करे फ्रेंड, लाइफ तो उसकी कहाँ से कहाँ लेके चली गई लुयान की वजह से. ये सब चीज़ उससे अब नहीं बर्दाश्त होता है. कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना. इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है. वो जाती है फ्रेंड अपने भाई के पास, जहाँ उसके भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जहाँ उसके भाई की हार्ट का ऑपरेशन हुआ था. जहाँ वो बोलती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना. यहाँ पर वो बोलता है सिस, तुम काफ़ी टाइम के बाद आई, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना. कहता है हाँ सब ठीक है, तुम्हारी तबीयत कैसी है फ़िलहाल ये बताओ, मुझे ये जानना है. और मैं अब तुम्हें अपने साथ ही रखूँगी, जिसे भाई सुन के काफ़ी खुश हो जाता है. यहाँ पे कहता है हाँ यहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा है. कहता है ब्रदर इन लॉ नहीं है. अब बेचारी प्रेसिडेंट फू के बारे में जिया क्या बोले कि वो इंसान कितना ही घटिया निकल गया है किसी और लड़की की वजह से. यहाँ पर कहती है छोड़ो ना ये सब बात, चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं. जहाँ वो उसको लेके जा रही होती तो डॉक्टर देखता है. तो डॉक्टर बोलता है अरे मिस जिया, अब अपने ब्रदर को कहाँ लेके जा रही हैं, वो जल्दी से रिकवर नहीं हुआ, आपको तो पता है इसकी बीमारी के बारे में. यहाँ पे वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा घर लेके जाना चाहती कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में रहकर ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया है. और हाँ यहाँ से अच्छा बाहर एब्रॉयड में होगा इसका इलाज. जहाँ डॉक्टर बोलता है अगर आप ऐसा ही करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपना भाई की कंडीशन को देख के कोई भी काम करिएगा. यहाँ पे कहती है जिया ठीक है डॉक्टर, आप टेंशन ना लें. क्योंकि डॉक्टर भी फ्रेंड काफ़ी टाइम से उसके भाई को देख रहा था. जहाँ उसके भाई की कंडीशन तो अच्छी नहीं थी, लेकिन जिया अब वहाँ रहना नहीं चाहती थी और वो अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे वहाँ से लेके जा रही थी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके कि प्रेसिडेंट फू वहाँ नहीं आ पाए. यहाँ पे तब बोलता है डॉक्टर ठीक है, तो आप एब्रॉयड जहाँ जाओगे तो मुझे एक बार बता देना, तो मैं वहीं डॉक्टर से कंसल्ट करवा के इलाज करवा दूंगा. ये कहती है ठीक है थैंक यू डॉक्टर, तभी जाने लगती है. लेकिन उसका पीछा फ्रेंड छोड़ता नहीं है. प्रेसिडेंट फू जहाँ आता है और यहाँ पे उसका भाई बोलता है अरे सिस्टर का हस्बैंड यहाँ क्या कर रहा है. यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है. यहाँ पे जो फू है फ्रेंड डिवोर्स देने आया था कि डिवोर्स होगा उसके बाद ही तुम कहीं भी जाओगी. तो कहती है जिया इसका क्या मतलब है कि डिवोर्स, मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है पेपर पे, अब तुम्हें करना है जो तुम वो करो. और हाँ बेडरूम में वो पेपर रखा हुआ है, जाके वहाँ से पिकअप करो, यहाँ कुछ भी नहीं है. यहाँ पे फू बोलता अच्छा तो तुम अपने भाई को कहाँ लेके जा रही थी, कहाँ तुम दोनों का भागने का इरादा है. यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें इन सब से क्या मतलब है, इन सब से तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा है. यहाँ पे कहता है जिया को कितनी चीप हो तुम, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी चीप टाइप की तुम्हारी सिस्टर है जिससे तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी. यहाँ पे गुस्सा आता है जिया के भाई को और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सिस्टर को ऐसा बोलोगे, पहले खुद को देखो उसके बाद मेरी सिस्टर को बोलना, ठीक है ना. और मेरी सिस्टर छोड़ रही है तो कुछ सोच ही समझ के छोड़ती होगी. जहाँ फ्रेंड फू जो है उसके भाई को पकड़ लेता है और यहाँ पर बोलता है कि भूलो मत कि तुम बीमार हो और मैं क्या कर सकता हूँ. जहाँ बोलती है ये एक बच्चे की तरह है मेरा, और अगर तुमने इसको कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो, ये बात याद रखना. यहाँ पे कहता है पर डॉक्टर ने तो इसे मना किया है कि यहाँ से वो नहीं जा सकता. यहाँ पे कहती है तुम्हें क्या मतलब है, ये कहीं भी जाए ये नहीं जाए, तुम कौन होते हो बोलने वाले हो? पहले ये बताओ.
और दफ़ा हो जाओ यहाँ, मेरी ज़िंदगी को नर्क जहन्नम से भी बदतर कर दिया है तुमने, निकल जाओ यहाँ पे। वो उसको थप्पड़ मारने वाली होती है तो वो कहता है इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मतलब गुस्सा दिला के फिर कहता है गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे कहता है अरे ये नाजुक हाथ अगर एक बार टूट जाएंगे ना तो फिर कभी जुड़ भी नहीं सकते हैं, क्या तुम भूल गई? तो डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा ही तुम करो। अब इसके भाई को काफ़ी गुस्सा आता है जिया के और कहता है मेरी सिस्टर का हाथ छोड़ो, मेरी सिस्टर को तुम बुली कर रहे हो, मैं उतने देर से देख रहा हूँ। तभी वो उसको एक ही मारता है फूके गालों में और कहता है तुमने मुझे मारा, जहाँ फू से पुश कर देता। जिया काफ़ी कस के चिल्लाती है, उसके भाई के मुंह से ब्लड गिरने लगता है फ्रेंड, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पे कहती है क्या कर रहे हो फू, तुम्हें पता है ना कि उसे बीमारी है, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, छोड़ो उसे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, यहाँ पे वो बोलता है ऐसा ही होगा अगर तुमने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो। जहाँ बेचारी जिया दौड़ के पास जाते अपने भाई को और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहाँ फ्रेंड जिया के बैग से सब कुछ गिर जाता है, पासपोर्ट वगैरह अपने भाई के बचाने के लिए। यहाँ पे वो बोलता है दीदी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हार्ट में। यहाँ पे कहती है कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वो उसे उठाने की कोशिश करती है, जहाँ पासपोर्ट जिया का फ्रेंड और उसका भाई का ले लेता है फू और कहता है कि ये अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है। जहाँ फ्रेंड उसे अभी पासपोर्ट की नहीं पड़ी हुई थी, अपने भाई की पड़ी हुई थी, बोलती है फ़िलहाल तो मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मुझे मेरे भाई को प्रोटेक्ट करना। और वो उसे लेके चली जाती है जहाँ डॉक्टर आता है और उसे लेके जाता है। यहाँ पे कहती है मेरा पासपोर्ट वापस करो, देख लेना अगर मैंने कंप्लेन कर दिया तो क्या होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से डिवोर्स देके नहीं जा सकती हो, क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इधर ज़्यादा से ज़्यादा जिया के भाई का जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा वोमिटिंग ब्लड हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी सीरियस हालत हो रही होती है। अब यहाँ पे डॉक्टर कहना था जैसा कि रूल्स है पे करो, उसके बाद ही इलाज होगा। जहाँ फू का कार्ड होता है वो दे रही होती है, जहाँ लुयान उसे ले लेती है और कहती है ये तो प्रेसिडेंट फू का कार्ड है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? यहाँ पे कहती है जिया इन सब बातों का वक्त नहीं है, कार्ड दो मुझे। लेकिन फ्रेंड वो कार्ड नहीं दे रही थी क्योंकि अब तो तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो फिर तुम्हारा अब कोई हक नहीं है फू के इस पे, तो तुम क्यों लेने आई हो, कार्ड वापस करो। लेकिन वो फ्रेंड कार्ड वापस नहीं करती है, वो तो चाहती थी कि उसका भाई मर जाए। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, ये कैश लो जमा कर दो, लेकिन प्रेसिडेंट फू का कार्ड तो मेरे ही पास रहेगा। यहाँ पे कहती है गिव मी बैक माई कार्ड। इधर देखती है लुयान की फू आ रहा है तो यहाँ पे छीना झपटी में वो गिरने का नाटक करती है, जहाँ फू उसे पकड़ता है। यहाँ पे वो बोलती है कि ये देखो मैं कैश दे रही थी पर वो ले ही नहीं रही थी जिया और मुझे पुश कर दी, पता नहीं इससे क्या मेरी दुश्मनी है। यहाँ पे जिया कहती है इसे समझा दो कि ये मुझसे जितना हो सके दूर रहे। यहाँ पे फू कहता है तुम तमाशा बना रही हो, यहाँ तमाशा मत बनाओ नहीं तो मैं यहीं तुम्हारे साथ सीरियस करने लगूंगा, फिर सोच लेना। अब बेचारी क्या करे, वो इतना रिच फैमिली, अब जिया कुछ भी नहीं। यहाँ पे वो डॉक्टर को पैसे बोलती है मैं बहुत जल्दी पेमेंट कर दूंगी पूरा, आप टेंशन मत लेना। डॉक्टर कहता है डोंट वरी मिस जिया, आप जब हो पूरा कर सकते हैं। अब बेचारी जिया कहाँ से पैसे लाएगी ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।